और मेरा नाम है माहीन, आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें विद एवरी वन। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यस, तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं सेल्फी मूवी का। एक ट्रेलर आया है नया, ट्रेलर टू, ट्रेलर वन हमने नहीं देखा था तो ट्रेलर वन भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब देख लेंगे दूसरी, मतलब एक और वीडियो बना लेंगे अभी, उसमें ट्रेलर वन देख लेंगे और उसमें ट्रेलर टू देख लेते हैं, ये इसी में देख लें। इसमें भी बना सकते हैं, मतलब इसमें भी देख सकते हैं और अलग भी बना सकते हैं as you wish। So, इसमें देख लेते हैं अगर ये छोटा है तो पहले कौन सा देखें, वन या टू? I think one। Okay, so जल्दी से जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये फर्स्ट वाला ट्रेलर था, ठीक है। और अब हम लोग जो नया वाला ट्रेलर आया है, जो सेकंड है, वो भी देख लेते हैं। मतलब ये छोटा सा एक है, बट देखते हैं इसको। रावण को श्रीराम से टकराने की हिम्मत इसलिए मिली कि वो श्रीराम का भक्त था। आपसे टकराने की हिम्मत सर मुझे आपसे मिली है। कैसे आ सकता है?
मीडिया ट्रेलर की जगह ना अक्षय कुमार का कोई इंटरव्यू वगैरह मतलब डाउनलोड कर लिया, क्योंकि ना मैं साल में चार पिक्चर बना लेता हूँ, डेली शो भी बना लेता हूँ, और तो नहीं कर लिया, ये वही ट्रेलर है ना। फिर मुझे मैंने सोचा कि हाँ, फिर जब आगे बढ़ा तो मुझे चला कि ये तो फिल्म है। तो विजय कुमार नाम है इसमें इनका, अक्षय कुमार का नाम विजय कुमार है और ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी। अच्छा, इस तरह वो एक शाहरुख खान की मूवी थी ना, फैन फैन क्रेजी फैन टाइप कुछ था उसमें, और बट इसमें ये है कि वो फैन ऑफ कोर्स डिफरेंट है। इसमें ये कि एक फैन जो है वो बहुत पसंद करता है आर्टिस्ट को, और उसके बाद जो है वो उसी का दुश्मन बन जाता है। मतलब पहले वो सेल्फी लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट फिर वो उनके बीच में कुछ हो जाता है, देन वो जो है ना वो दोनों आपस में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट ही उठाया है इन्होंने कि कितने भी बड़े एक्टर हो, मुल्क का कुछ लॉ होता है, मुल्क के कुछ लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना हर छोटे बड़े सबके लिए बराबर, हर सिटीजन के लिए वो बराबर होता है। और जिस तरह उन्होंने वो एक सीन किया ना कि गाड़ी से बाहर निकले और क्या नाम है लाइसेंस दिखाएं, तो इतनी हिम्मत सब में नहीं होती, और रियल लाइफ में भी ये होना चाहिए कि पुलिस वालों को इतनी सारी अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द लॉज उनको मिला हुआ है। इंडिया में ऐसा है, मतलब अथॉरिटी थोड़ी बहुत ही सही, बट आई थिंक मुझे लगता है प्रेस में, प्रेस वालों में और पुलिस वालों में ये अथॉरिटी होती है कि वो एक्टर्स को पकड़ सके हैं, बट जो और जगह है कुछ, मगर ये हिम्मत वाला काम है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल इंसान को आप रोको और पकड़ो। हम देख रहे होते हैं आए दिन कोई ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को किसी ना किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, और अक्सर सही भी होते हैं, अक्सर गलत भी होते हैं, बट पकड़ते हैं उनको, लॉ बाय लॉ देखते हैं, देखकर अगर हम इनको जज करें तो ये मतलब आइडिया हो पा रहा है कि पहला आप जो है मूवी का वो ये होगा कि इमरान हाशमी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फैन है, और उसके बाद जो आखिरी का मूवी का जो सीन जो होगा सारा उसमें आई थिंक ये है कि किस तरह से वो दुश्मन बन जाते हैं और किस तरह से, और आई थिंक ये मुझे ज़्यादा इनोवेटिव लगा, स्टार्ट वाले से ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इमरान हाशमी और अक्षय कुमार का कॉम्बो जो है ना, और मुझे काफी डिफरेंट लगा, काफी अच्छा लगा। आजकल इस तरह की मूवीज आ रही है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा कुछ रिफ्रेशिंग देखने को मिलेगा आपको।